आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑमलेट। इसके लिए हमें चाहिए अंडे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, 3 हरी मिर्च, धनिया पत्ता। अब हम इन प्याज को काट लेते हैं। काट लिया है। अब हम इन टमाटर को भी हम काट के रखे थे और धनिया को भी हमने काट लिया है। अब हम एक कटोरी में हम अंडा मिक्स करेंगे। अंडा हम फोड़ लेते हैं। ऐसे करके आप अंडा फोड़ के कटोरी में डाल लीजिए। अंडों के छिलकों को साइड में रख दीजिए और ऐसे 2 अंडे डाल दीजिए। अब हम इसमें प्याज डालते हैं हल्का सा। अब हम इसमें टमाटर डालते हैं। इसमें हम जीरा, धनिया पत्ता हरी मिर्च और हम इसको मिला लेंगे। अब हम इंडक्शन पे तवा को डाल देते हैं गर्म होने के लिए। हम इस अंडे के बैटर को ढंग से मिक्स कर लेते हैं। पूरी अच्छी तरह से मिला लें। देखिए अब तवा गर्म हो रहा है। इसको हम ज़्यादा आँच पर रख देते हैं। अब हम इस पर तेल लगाएंगे। अब तेल गर्म हो रहा है। अब हम ऑमलेट के इस बैटर को वापस थोड़ी देर मिक्स करके अब हम तवे पे डालेंगे। तवा को हिला देंगे कि पूरे ये तवे में बैठ जाए। हम टमाटर और प्याज हल्के से ऊपर और डाल देते हैं। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये ऑमलेट बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब हम 2 ऑमलेट बनाएंगे तो ऐसे ही करके दूसरी ऑमलेट की बैटर भी रेडी कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक, जीरा और हम इसको मिला लेंगे।
हमारा बैटर रेडी हो रहा है तब तक हमारा ऑमलेट भी ढंग से पक जा रहा है। ये अच्छे से पक चुका है नीचे की तरफ से। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए नीचे से क्या ब्राउन कोटिंग आया है, ये अच्छे से मतलब नीचे से पक गया है। अब ये जब हमने जो ऊपर था अभी वो पक रहा है। तब हम जब तक ये पक रहा है हम इस ऑमलेट के बैटर को अच्छे से मिक्स वापस डाल देते हैं। अब हम ऑमलेट हमारा पककर तैयार हो चुका है और हम इसको थाली में सर्व कर लेते हैं। ऐसे आप पका दीजिए। आप प्लेट में डाल दीजिए। ऑमलेट आपका रेडी है। देख सकते हैं। अब हम दूसरे ऑमलेट के लिए वापस तवे पे हम तेल डालेंगे। समझ के रहिएगा तेल इसका उड़ता है। और हम इस पर ऑमलेट का बैटर डाल देते हैं। तवे को ऐसे ऐसे करके हिला देते हैं। हिला दीजिए क्योंकि उसको ढंग से बैठने के लिए। अब हम इस पे अब इसको पलट लेते हैं। देखिए ढंग से अभी पका नहीं है। हम इसको पलट मतलब साइड से ऐसे कर देते हैं कि जब चिपके नहीं कि पलटने में हल्की सी मुश्किल हो। आपको दिखा देते हैं पहले वाला ऑमलेट कैसे निकला है। देखिए आपको इसको पलट के भी दिखा देते हैं। देखिए ये ऐसे है नीचे के ऊपर की तरफ से ऐसे निकला है। अब हम हमारा ऑमलेट रेडी हो रहा है। हम इसको हम पलट लेंगे। ये बच्चों को बहुत टेस्ट लगता है। इसमें इससे हेल्थ भी अच्छी रहती है। ऑमलेट अभी बन के तैयार हो चुका है। हल्का सा हम 2 मिनट और पकने देते हैं कहीं पे कच्चा ना रह जाए। अभी हमारा ऑमलेट बन चुका है। एक और बार हम पलट के इसको देख लेते हैं। अच्छे से बन चुका है। अब हम प्लेट में इसको सर्व कर लेते हैं। अब हम आपको ऑमलेट दिखाते हैं। हमारे ऑमलेट बनके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।